क्यों? हाँ, क्योंकि हम ये बात बबांगे धोल कहते हैं कि जमीन आसमान एक हो जाए, बीजेपी को नहीं आने देंगे। मेरे मैनिफेस्टो में तीसरा नुकता है ये, इट इज इन माय मैनिफेस्टो। जब बीजेपी यहां पे जुल्म कर रही थी हमारे पे, आशफा के जैसे जो है सानिया यहां पे हुए, तब ये लोग वेर दे नॉट क्लिंगिंग टू चेयर्स ऑफ पावर। आपने खुद ही देखा इन लोगों ने क्या क्या बोला, टाफी दूध वाले बयान दिए, इंसल्ट किया हमारे पे। कॉन्फ्रेंस के दो टुकड़े हुए 82 में, यहीं इकबाल पार्क में फारूक अब्दुल्ला ने कहा मेरे वालिद के कैबिनेट में जितने लोग हैं वो सब चोर हैं, जिन लोगों ने 17, 15 साल जेल में गुजारे वो चोर थे, वो जो बारे गुलामी सह न सके वो शौक सिपाही का ये गुंडे थे, वो गुंडे नहीं थे, वो साफ पाक दामन वाले लोग थे, उसमें गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लोग थे, खाजी अली शाह साहब जैसे बड़े लोग थे। और अबाउट फारूक अब्दुल्ला, नहीं मैं बिकॉज आई हैव सीवियर पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद हिम, हां आई एम सेइंग इट ओपनली। हाँ भाई, मैंने कहा मेरी न सियासत मुनाफिकत की है न मैं मुनाफिक हूं, जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान। महबूबा मुफ्ती शुड जस्टिफाई टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हाट ट्रैश इज शी स्पीकिंग, कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मोदी लंबी रेस का घोड़ा है तो इसका मतलब क्या है मोदी की गोद में बैठ जाए। आई एम पुटिंग यस ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग द ब्लेम ऑन हर, ऑन सजाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी एंड पीपल लाइक हर who are responsible for getting BJP inside Jammu and Kashmir. तुम लोगों ने खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर, कश्मीर की कुछ पता नहीं, मुझे माफ करिएगा। किन लोगों ने रीडिंग रूम पार्टी बनाई, किन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, किन लोगों ने 22 साल माज़े राय शुमारी चलाई, खून के कतरे दिए हैं इस कश्मीर को बनाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाज़रीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर की एक और आवाज़ सियासत, समाजी मामलात और मौशी या जो माली लिहाज से जम्मू कश्मीर में मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में खुशहाली कैसे आएगी। जो माजी में जख्म, जो माजी के अदवार में मुख्तलिफ सियासी गलतियां, मुख्तलिफ जो गलतियां चाहे यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टी से हुई हैं या हिज़्ब इख्तलाफ या हुर्रियत पसंद जो लोग थे उनसे गलतियां हुई है, उस हवाले से हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में और बड़ी संजीदगी के साथ बात करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं शीबान अशाई, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह। शीबान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका भी। क्या हाल है? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह। शीबान साहब, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, हाल ही में मैंने जम्मू कश्मीर की साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से बात की। जम्मू कश्मीर में जो गलतियां हुई हैं माजी में उनने दोहराई, आपने देखा होगा इंटरव्यू जी, तो क्या अख्ज़ कर लिया आप? नहीं, वही बात है कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके ज़रिए जो तमाम हमारे लोग, दे आर द बेटर जज, वो लोग जो है समझने वाले लोग हैं। जितना लोग कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ समझते और समझते कि भाई दे कैन बी ईज़िली हुडविंक्ड, इनको जहाँ से मिलाना बड़ा आसान है। मैं बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ पीडीपी से और आपके ज़रिए भी वो बात हमने कई बार रखी है। मैं इमेजिन कर रहा था कि आज जब वो साबिका चीफ मिनिस्टर आपसे बात कर रही है, उन्होंने गिलानी साहब की बात की या दरवाज़े बंद करने की बात की या 87 की बात करी, वो बात सदाकत से रखती। आप देखिए हमारे लोग जो है इन्होंने वो हालात देखे और पिछले 9 साल से, खसूसन मैं आज बोल रहा हूँ, आज के दिन जब हम यहाँ बैठे तो स्मार्ट मीटर्स के नाम पर छजबल में, स्मार्ट मीटर्स के नाम पे जाल डगर में, जो एक हिस्टोरिकल नेबरहुड है जहाँ से शालबफ एजिटेशन आपकी शुरू हुई, कश्मीर की तहरीक का एक बहुत बड़ा बाब है उस नेबरहुड से, आज हमारे लोग सड़क पे आ चुके हैं बिजली के मीटर्स के लिए, कैजुअल लेबर डेली वेजेस को देख लीजिए, नौकरियाँ नहीं हैं बच्चों के पास, आए दिन आप ऐसा देखते हैं एम्प्लॉयज़ के पास सैलरी देने की हालत नहीं है। ये सब इस मरहले तक हम कैसे पहुँचे, जब 2014 में तमाम दुनिया के लोग महबूबा मुफ्ती और उसकी पार्टी से कह रहे थे कि बीजेपी को मत लाइए, ये कश्मीर मुखालिफ जमात है, इनके मैनिफेस्टो में 370 को एब्रोगेट करना है लिखा हुआ है, तो तब इनको ये बातें समझ क्यों नहीं आई। और ये मुझे इतना रंज हुआ इस बात से, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पहले प्रोग्राम सेट होते, अदरवाइज आई वुड हैव कॉल्ड यू दैट वेरी डे ओनली। हमारे तो सीने पर खंजर चल रहे थे जब मैं सुन रहा था वो क्या बोल रही है गिलानी साहब के बारे में, किस मकसद से वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ये सोच रही थी कि भाई हुर्रियत वाले या बाकी जो कश्मीर की कयादत है वो हिंदुस्तान से आने वाले मिनिस्टर्स के लिए दरवाज़ा खोलते। आप जो जब आप हुकूमत में आए, पहला कत्ल आपने उस ट्रक ड्राइवर का किया बेचारे का, जिसको आपने बीफ के नाम के मार दिया उस हमारे बच्चे को, जिसको उधमपुर में आपने उसके ट्रक पे पेट्रोल पम्प मार दिया, आशफा जैसे केस हुए,
कश्मीर में पैलेट की बारिशें हुई, हमारे बच्चों की बिनाई छीन ली गई, जो यहाँ की मईशत है उसको ख़त्म किया गया, हमारे वकार और इज्जत पे जख्म पहुँचाने की कोशिश की गई। बीजेपी के लोग हर दिन मुसलमान मुखालिफ, मैं इस बात को ज़रा ज़ोर करके बोल रहा हूँ, ये कश्मीर मुखालिफ ही नहीं मुसलमान मुखालिफ बयान देते थे और ये लोग उन्हीं के साथ अलायंस में बैठे थे। किस तरह वो एज्यूम कर दिया, गिलानी साहब वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग पॉलिटिशियन, ही वॉज अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे उनके हज़ार इख्तलाफ हों मगर गिलानी साहब को आज भी हम बहुत इज्जत की नज़रों से देखते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है वो कश्मीर के लिए सर्व कर दी। और महबूबा मुफ्ती कैसे इमेजिन करती है उनके लिए वो दरवाजे खोल देते, महबूबा मुफ्ती तो ऐसे बोल रही है जैसे कि भाई कयामत बरपा हो गई, मुफ्ती साहब के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों नहीं था ऑप्शन भाई, जब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बोल रही थी कि हम आपको आउटसाइड सपोर्ट देंगे, जो आप तेलंगाना से कश्मीर को कंपेयर कर लीजिए, के चंद्रशेखर राव 2014 में आए, आप मईशत देखिए हैदराबाद के लोगों को बचा पाए बीजेपी की इन सारी जो तबाही बर्बादी जो आज हो रही है उससे बचाया उन्होंने अपने लोगों को। आप बाकी स्टेट्स को कंपेयर करिए जहां नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर है, आप तमिलनाडु में देखिए जब से एमके स्टालिन आए 2019 से किस तरह वो बचा रहे हैं तमिलनाडु के लोगों को, ये हम सब जानते हैं। बीजेपी के पास आज वो ताकत के नशे में चूर हो गए, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो लोगों के हकूक को जम करना चाहते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो यहां के लीडरों पर थी। और मुझे हैरान कि इस खाली गिलानी साहब के बयान पे नहीं हो रही है, महबूबा मुफ्ती इज टॉकिंग अबाउट 87 ऑन वन साइड शी इज अ पार्ट ऑफ पीएचईडी। अगर इतना ही उसको प्रॉब्लम 87 और पीएचईडी के बाहर आ जाए, उसकी वजह से तो 10 पार्टियां पीएचईडी में नहीं जा रही है। आपको लग रहा है कि उसको ये बात इस वक्त नहीं करनी चाहिए थी? नहीं बिल्कुल, देखिए शाहिद साहब मैं दिल से बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों का मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इस सियासत पे डिपेंडेंट है। जो गलतियां पीछे हुई कश्मीर की नस्लें बर्बाद हो गई, मैंने आपसे अभी कहा बिजनेस में क्या हम हासिल कर सके, मुसलमानों का मौकुफ 18% है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में, टॉप 100 बिलियनर्स में से खाली 3 मुसलमान है। आप पंजाबियों को देखो, पंजाबियों का मौकुफ हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 2-3% से ज्यादा नहीं है। 20 बिलियनर्स आउट ऑफ 100 बिलियनर्स आर पंजाबीज, किसकी गलती है ये? क्या मुझे मुसलमानों की लीडरशिप से नहीं पूछना चाहिए, कश्मीर की लीडरशिप से नहीं पूछना चाहिए? एक भी नाम कश्मीरी का नहीं है टॉप 100 बिलियनर्स में। आपके लीडर तो इतने बड़ा होने का दावा करते हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, फारूक अब्दुल्ला हो, बाकी सारे लोग हो, आप तो इतने बड़ी बड़ी जो है दावे करते हैं लोगों के सामने। कौन सी इंडस्ट्री लाई आपने पिछले 70 साल में यहां पर? आई एम सुनिधि, देखिए जहां तक बीजेपी का सवाल है वी आर विद पीएचईडी, जहां तक 370 का सवाल है वी आर विद पीएचईडी, वाई एम आई नॉट फिजिकली इन पीएचईडी बिकॉज ऑफ महबूबा मुफ्ती? जब हमारी पीएचईडी से बात हुई, जी यू आर नॉट पार्ट ऑफ पीएचईडी? नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ, बट वी विल सपोर्ट देम ऑन ऑल द इश्यूज। हम क्यों नहीं है पार्ट ऑफ पीएचईडी? बिकॉज महबूबा मुफ्ती इज देयर, उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, क्योंकि इन्हीं ने तो बीजेपी लाई ना यहां, फिर अलायंस किस बात की है? शाहिद साहब आप कातिल और मकतूल दोनों नहीं हो सकते हैं, आप जालिम और मजबूर दोनों नहीं हो सकते हैं, या तो आप जालिम हैं या तो आप मजलूम हैं। आप यू कैनॉट ईट द केक एंड हैव इट टू। आप मुझे एक बात बताइए, तो गुपकार नहीं, गुपकार में मैं खुद ऐसे जानता हूं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की है, वो वांट टू बी पार्ट ऑफ पीएचईडी। शाही साहब, महबूबा मुफ्ती से आपको प्रॉब्लम है? नहीं, उमर मुझे नहीं, हाँ बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला से हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे सवाल सुने, महबूबा मुफ्ती से आपको प्रॉब्लम है, उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उमर अब्दुल्ला से आपको प्रॉब्लम नहीं है, फारूक अब्दुल्ला से प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी बीजेपी के नहीं साथ? आप सुनिए फर्क क्या है, मैं बताता हूँ। नहीं सवाल नहीं, नहीं जी जी जी, आपका सवाल बिल्कुल अपनी जगह सही है, मगर आप जवाब भी सुन लीजिए। व्हेन वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही हैड एन अलायंस विद 22 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें ममता बनर्जी भी थी, उसमें आपके एमके स्टालिन भी थे। जी जी जी, क्योंकि वाजपेयी वाज अ मैग्नानिमस मैन, वाजपेयी वाज अ स्टालवर्ट। वाजपेयी ने अपनी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, कश्मीर द वाजपेयी ईयर, जो ए एस दौलत ने किताब लिखी, उसने उसमें वाजपेयी से पूछा जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई क्या वो सही था या गलत था, और वाजपेयी ने इस बात को कबूल किया, वो गलती हुई हमारे से। दैट पर्सन वॉज अटल बिहारी वाजपेयी, ही वॉज नॉट लाइक नरेंद्र मोदी। ये जो मोदी के बाद जो बीजेपी आई है, आप सुनिए मेरी बात, मुझे तकमील कर रहे दीजिए। जी जी, मोदी के साथ अलायंस और वाजपेयी के साथ अलायंस में जमीन आसमान का फर्क है। 22 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ममता बनर्जी भी थी, जिसमें आपके ये क्या नाम है इसका चंद्रबाबू नायडू भी थे, जिसमें आपके डीएमके वाले भी थे, जिसमें आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, बीएसपी ने भी अलायंस की उनके साथ, जो 22 पॉलिटिकल पार्टीज थे, कभी भी आपने जिस तरह के बयान 2014 के बाद हुए, जिस तरह कोई उठता है तो मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, मस्जिदों के बाहर क्या नाच नगमे हो रहे हैं, किस तरह बीफ के नाम पे काटा जा रहा है लोगों को, क्या ये वाजपेयी के दौर हुकूमत में हुआ? क्या वाजपेयी ने पूरी हुर्रियत को इन्वाइट नहीं किया? फिर तो कश्मीर में कोई लीडर ही नहीं बचेगा हमारे अलावा, जो आपको ये बताएगा कि भाई दे हैव नो कनेक्शन विद बीजेपी। हमारी जो स्टॉन्चनेस है वो आइडियोलॉजिकली है। मैं कह रहा हूं महबूबा मुफ्ती ने खाली
जो पीछे किया, इट इज जोपरडाइजिंग आवर फ्यूचर आल्सो व्हाट शी इज डूइंग टुडे. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला. जी कंप्लीटली सेइंग कि मैं पीएचडी का पार्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि महबूबा मुफ्ती. जी बिल्कुल. तो यू डोंट हैव एनी डिफरेंस विद उमर अब्दुल्ला? नो, आई विल टेल यू व्हाई. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महबूबा मुफ्ती एंड उमर अब्दुल्ला? थ्रू यू आई विल टेल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जब 2010 में यहां हालात खराब हुए, महबूबा मुफ्ती सड़कों पे थी. क्यों? क्योंकि उसको ताकत की लालच थी कि कब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट गिरे और ये लोग गवर्नमेंट में आ जाए. जब 2016 में वही हालात हुए, यू डिड नॉट फाइंड उमर अब्दुल्ला डूइंग ऑल दीज पॉलिटिकल एंटिक्स इन लाल चौक. क्या किया उसने? व्हाट वी कुड फील इन उमर, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस. आई हैव नो अलायंस विद नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट आज हमारा फ्यूचर ऑन स्टेक है. आप मुझे एक बात बताइए, मैंने पीएचडी को पहले भी यह बात कही, महबूबा मुफ्ती क्या कर रही है वहां पे? अगर मुजफ्फर शाह साहब है उनकी पेटिशन, नहीं कंप्लीटली अपोज जी महबूबा, हाँ कभी जिंदगी में अलायंस नहीं होगी हमारी उनके साथ, ना पीडीपी के साथ, ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, ना अल्ताफ बुखारी के साथ. ये तीन आदमी जब जब बीजेपी यहां पे जुल्म कर रही थी हमारे पे, आशफा के जैसे जो है सानिया यहां पे हुए, तब भी ये लोग वेर दे नॉट क्लिंगिंग टू चेयर्स ऑफ पावर. आपने खुद नहीं देखा इन लोगों ने क्या क्या बोला? टाफी दूध वाले बयान दिए, इंसल्ट किया हमारे बच्चों को, पैलेट्स दे हैव शावर्ड ऑन अस. नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त जो हुआ, दैट नीड्स अ डीप एनालिसिस व्हाट हैपेंस इन 2010. आज तो बहुत सारे हुर्रियत के लोग अल्ताफ बुखारी के साथ फोटो उठा रहे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. मुझे आप खुदारा एक बात बताइए ना, तब से हम खामोश है क्योंकि कुछ लीडर्स की मुझे इज्जत है. मैं सोच रहा था आज वो उमर के उस मरहले में, नहीं आप मुझे तकमील करने दीजिए डेफिनेटली कि भाई हम कोई झूठी बात नहीं कह रहे. प्रोफेसर गनी साहब है, उनकी और अल्ताफ बुखारी की सियासत में क्या सिमिलैरिटी है? मैं गनी प्रोफेसर गनी साहब को कह रहा हूँ, आप अब उमर के उस मरहले में हैं, आप खुदा हुर्रियत की कुछ इज्जत रख लीजिए. अब वाई आर यू मीटिंग अल्ताफ बुखारी? अल्ताफ बुखारी कोई एम्बेसडर है किसी कंट्री का? प्राइम मिनिस्टर है क्या वो? हुर्रियत क्यों मिल रही है उसके साथ? खैरो आफियत पूछते नहीं, बिल्कुल खैरो आफियत पूछिए शाहिद साहब. क्या डिड अल्ताफ बुखारी टेक कंसेंट फ्रॉम प्रोफेसर गनी की वो स्टेटमेंट डाले? जब आप स्टेटमेंट डालते, यू मेक अ पोलिटिकल अनाउंसमेंट. उनका बच्चा भी नहीं, उनका बच्चा उसके बाद बंद हुआ, शायद हो सकता है उनके दोस्तों की वजह से ही बंद हो गया. तो आप ये नहीं, आप सुनिए मेरी बात. वो तो आप गवर्नमेंट बोलेगी ना कि उनका बच्चा क्यों बंद है. पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर खुद वाजपेयी ने हुर्रियत वालों को बुलाया, हुर्रियत वाले अगर किसी होटल में मिलके बातचीत कर रहे हैं जेकेएलएफ वाले, वो कहीं कोई उन्होंने वायलेंस तो अभी नहीं की ना, उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाया. उनका हक है अगर वो सियासी तौर कोई बात करना चाहते, जिस तरह आपका मेरा हक है उनका भी हक है. अगर बीजेपी वाले उनको ट्रीट करते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, वो तो खुद बोलते हैं ना कि हुर्रियत वाले भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ताकि तभी उन्होंने वाजपेयी ने उनसे मुलाकात की. आपका ख्याल है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल मीटिंग थी? नहीं, खैर जो भी थी, हम तो जेकेएलएफ में नहीं है, हम तो हुर्रियत में नहीं है, हमें वी आर नॉट प्रिवी टू व्हाट दे वर डिस्कसिंग इनसाइड दैट क्लोज रूम. आई एम सेइंग शाहिद साहब, जब हिसाब हो वो सबका हो, जब प्रॉपर्टी हो वो खुदा रहा सबकी हो. आप लोगों ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा, आई एम मेकिंग अ कन्फेशन टुडे इन योर इंटरव्यू. लास्ट 4-5 साल में जिस तरह मुझे उम्मीद नहीं थी फारूक अब्दुल्ला 370 पे कायम दायम रहेंगे, मुझे नहीं उम्मीद थी, मैं सच बोल रहा हूँ आपको. हमारी फैमिलीज का बहुत पुराना रिलेशन है. So you are not expecting? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. जब 82 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो टुकड़े हुए, एक तरफ मुत्तकी साइड था और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला का साइड था, मुझे उम्मीद नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मगर वो उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं. दे डिजर्व दिस क्रेडिट टुडे. अगर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, वो डिजर्व करते हैं उस बात को. तारिक आमिर साहब के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, मगर उन्हें केस लड़ा अपना. मुजफ्फर शाह साहब के पास उतने केस रिसोर्सेज नहीं है, मगर वो कल तक उस आदमी का मजाक उड़ाते थे ये लोग, अल्ताफ बुखारी और वो पीसी वाले और बाकी सारे लोग, कि भाई ये किस तरह 370 वापस लाए. आज जब तारीख लग गई तो फिर अल्ताफ बुखारी बोल रहे हैं हम पैसे दे देंगे. भाई आपके पैसे की किसी को जरूरत नहीं है. जब आप लोगों को साबित कदम रहना था, कश्मीर के मुस्तकबिल को बचाना था, कश्मीर के फ्यूचर को बचाना था, हम जैसे लोग सियासत में नहीं होते अगर इन्होंने बेचा नहीं होता कश्मीर को 2014 में. शाही साहब, आई वांट, सिंस दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड टू महबूबा मुफ्ती आल्सो, मैंने उनसे भी ये पूछा कि हम बचा क्या रहे हैं इस वक्त? हम बचा रहे, जी जी, आप जैसे यूथ लीडर को पूछना और एक पार्टी के सरबराह को पूछना, मेरे ख्याल में ये ठीक बात है. देखिए शाहिद साहब, आपने सवाल किया हम बचा क्या रहे हैं, ये हमारी बका, हमारी इज्जत, हमारे वकार का सवाल है. कश्मीरी, ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए. आप पीएसए लगा लो, एनआईए, ईडी, सीबीआई, जितनी एजेंसीज आपने ऑलरेडी हमारे पीछे छोड़ी है, दर्जनों के हिसाब से केस हमारे खिलाफ बुक किए, रियल अपोजिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल अपोजिशन. Who is the real opposition today? It is National Conference, it is Awami National Conference, it is JK People's Party, it is Mohammad Yusuf Taregami, it is other people. आपने अभी हम वकार भट्टी की बात कर रहे थे, वकार और उसके एक और साथी के खिलाफ SIA में केस चल रहा है, मेरे खिलाफ दर्जनों FIRs की जा रही है,
परसों जब हम सड़क पे आए, अपोजिशन है कौन पहले तो ये कश्मीर के लोगों को समझने की जरूरत है। जब आपकी वहां क्या नाम है इसका नोएडा के लोग जब सड़कों पे बैठे हुए थे, जब गोजवारा के लोग सड़कों पे बैठे हुए थे और हम उनकी आवाज उठाने वहां चले गए, हमें पता है कि पुलिस का रवैया क्या था हमारे साथ, डोजियर बना रहे थे हमारे खिलाफ, यूएपीए इन्वोक कर रहे थे। ये तो शुक्र अल्लाह की जात का है और हमारे वकीलों का है कि हम जेल में नहीं है और मुझे कोई डर नहीं है जेल जाने से। मैं कह रहा हूं उनके लिए कुर्सियों का सवाल है, मेरे लिए मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की इज्जत और बका का सवाल है। यह फर्क है सियासत में। महबूबा मुफ्ती शुड जस्टिफाई टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हाट ट्रैश इज शी स्पीकिंग, कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मोदी लंबी रेस का घोड़ा है तो इसका मतलब क्या है मोदी की गोद में बैठ जाए। नहीं, आप मेरी एक बात मुझे तकमील करने दीजिए। असद ओवैसी जो 25 करोड़ मुसलमानों की वकालत आज कर रहा है, अगर यही नैरेटिव से तो असद भाई को तो उसी दिन नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाना था जिस दिन 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया। महबूबा मुफ्ती लैक्स द स्पाइन, आई एम सॉरी टू से, एंड आर पार्टी, वी नो हाउ दैट पार्टी वॉज क्रिएटेड। मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा जिस पार्टी को बनाए अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने, यह तो अपना एहसान उतार रहे थे उनके जरिए। नहीं, आप मुझे बताइए ना यही लोग क्यों इनके साथ बीजेपी के साथ है। मैंने वकार की बात की, वकार तो कल ही के दिन उनसे कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट किया, हमारे कुछ नजरियाती डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मुझे पता है वकार बीजेपी के साथ नहीं है, मुझे पता है तारेगामी साहब बीजेपी के साथ नहीं है, मुझे पता है मुजफ्फर शाह साहब बीजेपी के साथ नहीं है, मुझे पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं है। तो जब नहीं है, जब मेरे दिल में मुझे ये बात पता है, इसमें कबूल में करने में क्या है। लेकिन लेकिन शिबान शाही साहब, एक सवाल, आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट। जी जी, आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट रिप्लाइंग टू दिस क्वेश्चन। जब हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पॉलिसीज को लेकर, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, वेयर डू यू फाइंड कांग्रेस एंड बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, इट्स अ शेम फॉर कांग्रेस एक्चुअली, इट्स अ शेम फॉर कांग्रेस की आप जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है। 53 से 75 तक हर इलेक्शन रिग किया कांग्रेस ने, तुर्कमान दरवाजे से दिल्ली में हमारा खून बहाने वाले कांग्रेस वाले हैं। अगर कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं की होती तो आज वो इतने कंफ्यूज नहीं होते। नहीं नहीं शायद साहब, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इवल एंड लेस इवल, लेसर इवल, ये अकल की बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिटवीन इवल एंड लेस इवल, ऑफ कोर्स यू विल चूज लेस इवल। हमें भी पता है कांग्रेस वाले दूध के दूल्हे नहीं है और कांग्रेस को आज के दिन होश के नाखून लेने की जरूरत है कि दे वेर अ सेकुलर पार्टी ऑन पेपर एज पर देर कॉन्स्टिट्यूशन, वेर आर दे ट्रबल शूटर टूडे, शो मी दिस अहमद पटेल ऑफ कांग्रेस टूडे, कहाँ है कांग्रेस? अगर कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है, उद्धव ठाकरे के साथ बैठने से कांग्रेस का सेकुलरिज्म खत्म नहीं होता है, मगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो बात नहीं करेंगे, कश्मीर की लीडरशिप को वो कभी इज्जत नहीं देंगे। ये यहाँ पर हमारे इख्तलाफ हैं, मगर जहां तक आज 2014 के बाद जो आप बर्बादी देख रहे हैं, शाहिद साहब मैंने आपको कहा यह वो कश्मीरी स्टेट है जो सरप्लस था, सोशो इकोनॉमिकल एजुकेशनल पैरामीटर्स में हम बहुत आगे थे, हमारे बच्चों ने खुदकुशियां किया, शाहिद साहब खुदारा मुझे बताइए 2019 के बाद क्या महबूबा मुफ्ती के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है? इज शी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट शी हैज डन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बट अगेन एंड अगेन यू आर पुटिंग ब्लेम ऑन महबूबा। नहीं नहीं, आई एम पुटिंग, यस ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग द ब्लेम ऑन हर, ऑन सजाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी एंड पीपल लाइक हर who are responsible for getting BJP inside Jammu and Kashmir. तुम लोगों ने खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें कोई रोल नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहां रोल है मुझे बताइए ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मोदी के साथ कब अलायंस किया है? मैं मोदी की बात नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूं, आपने बीजेपी की बात कही, उसी वाजपेयी ने पूरे हुर्रियत को बुलाया। नहीं नहीं, उसी वाजपेयी की 22 अपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंस थी। कुल हिंदुस्तान में 3 जमातें ऐसी है, मेजर जमातें अपार्ट फ्रॉम द मुस्लिम पार्टीज लाइक MIM, AUDF, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और RJD के अलावा हर एक जो लोकल आपकी पार्टी है उसने कभी ना कभी वाजपेयी के दौर में अलायंस की है। शिबान शाही साहब, एज पर करंट सर्वे द स्टैंड महबूबा मुफ्ती इज टेकिंग एज ऑफ नाउ, डू यू थिंक दैट इज जेन्युइन? नहीं, जो आज का स्टैंड नहीं, कोई स्टैंड उनका क्या स्टैंड है मुझे बताइए ना आप। पेटिशन शाह साहब की है 370 पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, आपको बहुत कपिल का है, नहीं, नहीं, नहीं मेरे को तो है गुस्सा, मैं तो आपके जरिए बोल रहा हूं उनकी सियासत खत्म करूंगा मैं। एक एक मीर सादिक, मीर जाफर का बच्चा जो MLA था इस वक्त मुफ्ती की गवर्नमेंट में 2014 में, जिन लोगों ने इन बीजेपी वालों को पकड़ के लाया, आई एम सॉरी टू टेल यू, वी गेट इन्फ्यूरिएटेड, इन्होंने बर्बाद किया है कश्मीर का फ्यूचर। आप जाके उन हमारे दुकानदारों से पूछिए, कश्मीर के बिजनेसमैन से पूछिए, दे आर नॉट इवन एबल टू रिकवर इवन टूडे, आज के दिन तक वो 2016 का नुकसान नहीं उतार पा रहे। और इतना वाइड स्प्रेड वायलेंस क्यों हुआ? आपने कहा यहाँ 2008 में एजिटेशन हुई, 10 में एजिटेशन हुई, एक फॉरेन जर्नलिस्ट आए थे एक जमाने में कैलिफोर्निया से, उन्होंने मुझे कहा जो इंटेंसिटी हमने प्रोटेस्ट की 2016 में देखी, क्यों एक एंटी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट लाके आपने हमारे सर पे मुसलत की,
और आप इनको बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, कौन सा एजेंडा अलायंस आपका है? आपके लोग तो आज भी वो बीजेपी के लिए लॉबी कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने एक्सपोज कर दिया उनको, एक्स पीडीपी लीडर्स को। पीडीपी की क्या आइडियोलॉजी है मुझे बताए ना, वो उनकी वजह से तो पीएचडी ये के जो एफर्ट्स है वो जोपर्डाइज हो रहे थे। उन्होंने इंटरवीनिंग पिटीशन परसों फाइल किया है अर्जी लगने के बाद, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जो प्रेशर्स है वो किसी और ने सहे, ईडी एनआईए समन केसेस दर्जनों एफआईआर, वो हम जैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं आज के दिन में। क्यों? क्योंकि हम ये बात बभांगे धोल कहते हैं कि जमीन आसमान एक हो जाए, बीजेपी को नहीं आने देंगे। मेरे मैनिफेस्टो में तीसरा नुकता है ये, इट इज इन माय मैनिफेस्टो, लेट द अदर पार्टीज वॉक द टॉक व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। शिवानी शाही साहब, चूंकि आपसे भी अगर मैं ये सवाल पूछूं कि मेजर ब्लंडर्स, मैंने ये महबूबा जी से भी पूछा था, शायद आपने सुना होगा, 87 अपोजिशन का हुक्मरान जमात के साथ हाथ मिलाना, जैसे आपने कहा कि बीजेपी के साथ पीडीपी ने, और तब जाके वो कांग्रेस और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा कर रही थी, और उनने ये भी कहा कि 2016 या उससे पहले कई एक मामला हुए, तो व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको पता है शाहिद साहब, सबसे बड़ा जी अलमिया क्या है जम्मू कश्मीर का, कि मुझे माफ़ करिएगा, हमारे लोग हमारी सियासत नहीं जानते। जब 35 से 370 को ख़त्म किया तो अमेरिका लंदन से बड़े बड़े जो आपके डायस्पोरा के लीडर्स हैं, आई डोंट थिंक सो, मे बी कोई बचा नहीं था, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया। मैंने उन्हें एक ही बात की कि अपने बच्चों को अपनी तारीख पढ़ाओ, आप इनको रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हो, इनको कश्मीर की कुछ पता नहीं। मुझे माफ़ करिएगा, किन लोगों ने रीडिंग रूम पार्टी बनाई, किन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, किन लोगों ने 22 साल माज़े रायशुमारी चलाई, खून के कतरे दिए हैं इस कश्मीर को बनाने के लिए। आपकी और मेरी इज्जत के लिए उन बुजुर्गों ने अपनी जानें निछावर की, 22 साल माज़े रायशुमारी चलाए, उसको कभी भी कोई तोहमत नहीं लगी कि पाकिस्तान से फंड आता था या ओवरसीज से फंड आता था, चंदा जमा होता था, यहां से आपने अपनी तहरीकें चलाई। जब आप भूल गए, कोई 87 में कश्मीर का मसला शुरू नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा 1890s में शायद शालबफ एजिटेशन हुई यहाँ जालडगर में, जहाँ आज भी हमारी खवातीन सड़क पे बैठी है। क्यों बैठी है? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन चीज एंड चौक। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर टुडे। अगर आज आप 17-18 साल के हमारे बच्चे को उठाते हैं, उसको सलमान खान के 10 पिक्चरों का नाम याद है, मगर उसको क्रोनोलॉजी से यह पता नहीं है 47 से लेकर आज तक कितने चीफ मिनिस्टर्स हुए। उसको क्रोनोलॉजी से यह पता नहीं है कि 370 का ब्रास टैक जो है आपका, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जिसमें सिर्फ तीन डोमेन थे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। कश्मीर का अपना आईन था, अपना एजेंडा था। इंडिया यूज टू रिकॉग्नाइज कश्मीर एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। अब आपने बोला सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? सबसे बड़ा ब्लंडर अलमिया जो हुआ वो यही हुआ कि कश्मीरियों ने अपने बच्चों को ये सियासी जो शऊर है, ये इट हैज नॉट परकुलेटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपके जब आपको मालूम ही नहीं है आपके हमदर्द कौन है। सुशीलना शाही साहब, जब हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात में गहराई से जाते हैं या जिन अदवार से हम गुजरे हैं, तो बंदूक को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ वायलेंस में, ना मैं आम स्ट्रगल का कोई हामी हूँ। और उस व्हेन आई एम सेइंग दैट, व्हेन देयर इज पॉलिटिक्स ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स, दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड। व्हाई इंडिया, वी हैव मोर फ्रेंड्स, आई हैव सेड इट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आई हैव मोर फ्रेंड्स इन इंडिया देन नरेंद्र मोदी हैज। आई एम स्पीकिंग अबाउट पोलिटिकल पार्टीज एंड पोलिटिकल लीडर्स। मगर उनको सगेस्टी, उनको दिल, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन को यह बात माननी है कि कश्मीरियों ने तशद्दुद का साथ नहीं दिया 5 अगस्त 2019 की ज़ाती के बाद भी। पूरे कश्मीर को आपने ओपन जेल में कन्वर्ट किया, आपने यहाँ एक्टिविस्ट को ले लिया, रिलीजियस लीडर्स को पाबंद सलासल किया, सब लोगों का जो है वो मुंह बंद करने की कोशिश की, इतने जुल्म किए यहाँ कश्मीर पे कि आज बच्चे जो है वो नौकरियों के लिए खुदकुशी कर रहे हैं, मंशियात के शिकार हो गए, मगर फिर भी कश्मीरी ने तशद्दुद का साथ नहीं दिया। ये आज सबसे बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी पे, हिंदुस्तान की सारे पॉलिटिकल पार्टीज, स्टार्टिंग फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ऑल द अपोजिशन पार्टीज, जो कहीं वो दिल में फील भी करते हैं जो बातें उन्होंने हमसे कही, दे हैव टू वॉक द टॉक। जो वादे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से लाल चौक में कहे कि हम वी आर अगेंस्ट फोर्सेबल मैरिजेस, टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया, इंडिया हैज़ इवॉल्व इन लास्ट 70 ईयर्स, टाइम हैज़ कम दे डू जस्टिस विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर वो कोर इशू को डिस्कस नहीं कर सकते इस स्टेज पे, कम से कम उनको ये चाहिए कि जो 5 अगस्त को जो हुआ उसको रिवर्स करने में पूरे हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टीज को कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। शिवराज शाही साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप नजरियाती लिहाज से हैं या मौजूदा आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासी? नहीं, मौजूदा बिल्कुल नहीं है। हम आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम हक पे चलने वाले लोग हैं,
और हक का तकाजा वही है कि आप सच को समझें और पहचानें। मेरा मैनिफेस्टो है वो कहता है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए। जी नहीं, आप सुनिए मुझे तकमील, मैं आपको बोलूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी हमारे रास्ते कहाँ मिलते हैं। आज के आप सियासी बहरान में जब देखते हैं आपको बीजेपी जैसे कंसोलिडेटेड जो है एडवर्सरी उससे लड़ना है। अब या तो कश्मीर के लोग, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा, या तो कश्मीर के लोग ऐसे लोगों का साथ दें जो बिल्कुल साफ पाक दामन है। आपके सामने तारेगामी साहब जैसे लोग हैं, अब्दुर्रशीद शाहीन साहब आपके नॉर्थ कश्मीर से आते हैं वैसे लोग हैं, दे दो उन्हीं को, दे दो आप 40-50 सीट। मुजफ्फर शाह साहब जैसे लोग हैं जिनके पास पॉजिटिव ऑफ फंड्स है, और मैं खुद इस बात को जानता था, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, सवाल यहां पे ये है कब दिया होगा आप मुझे एक बात, नहीं नहीं जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शायद 60 से अबव भी कभी सीट्स ली हैं, अगर आप नहीं, वो तो 96 के बाद था ना। आप एक बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलता हूँ मैं उस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कहता हूँ जिन्होंने रीडिंग रूम पार्टी चलाई है। जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलता हूँ इट इज नॉट ओनली फारूक अब्दुल्ला। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉ डिक्लाइन पोस्ट 82। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो टुकड़े हुए 82 में, यहीं इकबाल पार्क में फारूक अब्दुल्ला ने कहा मेरे वालिद के कैबिनेट में जितने लोग हैं वो सब चोर हैं, जिन लोगों ने 17-17, 15 साल, 20-20 साल जेल में गुजारे वो चोर थे, वो जो बारे गुलामी सह न सके वो शौक सिपाही का ये गुंडे थे, वो गुंडे नहीं थे, वो साफ पाक दामन वाले लोग थे, उसमें गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लोग थे, ख्वाजा अली शाह साहब जैसे बड़े लोग थे। स्पीक मच मोर अबाउट फारूक अब्दुल्ला, नहीं मैं बिकॉज आई हैव सीवियर पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद हिम, हां आई एम सेइंग इट ओपनली। हाँ भाई, मैंने कहा मेरी न सियासत मुनाफिकत की है न मैं मुनाफिक हूं, जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान में है। हाँ, आई सी होप इन उमर अब्दुल्ला, आई सी होप इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो साबित कदम रहे 2019 के बाद। हाँ, हमारे रस्ते शायद मिल सकते हैं। So you mean to say Farooq Abdullah has done blunders also? Yes, to an extent, yes, he has. He has done only one blunder, that he should not have spoken those words in 82. अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो टुकड़े नहीं होते तो 87 भी कभी नहीं होता। ये गिला शिकवा मेरा फारूक साहब से रहेगा। हाँ, फारूक साहब ने जो 82 में इकबाल पार्क में वो शगुफे छोड़े और बोला कि मेरे वालिद की कैबिनेट में सब चोर है, सब जलीलो कदर उन लीडरों को, उसमें शेख इशफाक जबार जैसे भी लोग थे, 15 साल उन्होंने जेल कैदो बंद में गुजारे हैं, माजे राय शुमारी में, उसमें गुलाम अहमद शाह साहब जैसे लोग थे, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी, वो इख्तलाफ रहेगा। तो वो ब्लंडर थी फॉर, वो बहुत बड़ा ब्लंडर था, वो कश्मीर का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो टुकड़े हो गए। और क्या डिफरेंस है फारूक साहब के साथ, आपको लग रहा है कि फारूक साहब, देखिए अब हम इंडिविजुअल्स की हमें बात नहीं करनी चाहिए, जो हम आज किस कैनवस पे हम बात कर रहे हैं ये कश्मीर के फ्यूचर के लिए है, ये कश्मीर की इज्जत और वकार जो है उसको बरकरार रखने के लिए ये डिस्कशन है। ये डिस्कशन खाली फारूक साहब और वन इंडिविजुअल डज नॉट डिसाइड अ पॉलिटिकल पार्टी। मैं यही बात कहता हूँ अपनी, नहीं जी जी नहीं, अपनी मेरी जो सियासी जो मेरा सफ़र रहा है उसमें मैंने यही पाया है कि जितना लोग बुराई करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की उतने बुरे वो नहीं हैं, और जिन लोगों को कल तक आपने फरिश्ते बनाया हुआ था, जो आज बीजेपी के एजेंटों के साथ फोटो वोटो ले रहे हैं, जितना आपने उनको फरिश्ता बनाया था उतने वो फरिश्ते नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कश्मीर की जब हिस्ट्री को डिस्कस किया जाए उसमें 89 से 96 तक बहुत बड़ा चैप्टर है। 94 में जे के एल एफ वालों ने क्यों सरेंडर किया उसके भी बड़े वजूहात हैं, जे के एल एफ को एच एम वालों ने क्यों मरवाया उसकी भी बहुत बड़ी जो है एक एनालिसिस होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी खाली मेन स्ट्रीम की नहीं है, हुर्रियत की भी है। अच्छा, तभी तो क्यों नहीं होगी, नहीं तो किस बात के लीडर है वो। नहीं, मैं आपको बोलूं, हजार इख्तलाफ के बाद मैंने एक चीज पाई, जहां मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी तारीफ करूं वहां मैं आपको कहूंगा कि मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक जैसा लीडर नहीं आपको मिलेगा। मीरवाइज उमर फारूक और अवामी एक्शन कमेटी का जितना पॉजिटिव रोल रहा है 2019 से लेकर आज तक, और किसी भी बीजेपी के जरखरी, हाँ उनके वालिद मोहतरम भी, हाँ मैन आई एम सेइंग, देखिए शाहिद साहब गलतियां बहुत सब लोगों से हुई, मगर कुछ लोगों ने 87 के बाद सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्राउबीट करना शुरू किया, कुछ लोग पहले अपने दामन में झांक के देखें। आप मानते हैं कि हुर्रियत की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्यों नहीं, सबकी अकाउंट, अगर आप क्लेम करते हैं कि आप लीडर है कश्मीर के तो हाउ कैन यू नॉट बी अकाउंटेबल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू हैव डन। आई एम सेइंग पोस्ट 2019 इट हैज बीन एन आई ओपनर फॉर मी दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट दैट बैड, एंड व्हेन इट कम्स टू मीरवाइज उमर फारूक, उसने उस इंसान ने, उस इंडिविजुअल ने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है और जिस तरह उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी सियासी साजिश को, किसी भी सियासी बहरान को उठने नहीं दिया, मेरे दिल से इज्जत है उन दोनों लोगों के लिए। आप जेके एल एफ के बारे में कुछ बोल रहे थे? नहीं, उनके बारे में जितना मैं कम ही बोलूं उतना बेटर रहेगा क्योंकि बारिंग यासिन मलिक जो उन लोगों ने किया है तो वो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो जहां है वहीं रहें और खामोशी में अपनी जो एंजॉयमेंट, जो स्पाइल्स ऑफ द वॉर उन्होंने एंजॉय किया 94 से आज तक,
आई रियली डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दोज पीपल। चलिए शिवन अशाई साहब, आपने आज के प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बड़ा गुस्सा किया और अपने गुस्से पे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए शाहिद साहब, महबूबा जी के लिए यह अगला इलेक्शन है, वो सोच रही है कब मेरी बेटी उस कुर्सी पे बैठे। मैं सोचता हूँ वो कोई वकार वाला, कोई तो दिखाओ मुझे असद उवैसी जैसा, जब वो 25 करोड़ मुसलमानों की बात कर सकता है, तुम 1 करोड़ 20 लाख लोगों की बात क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारे जब वहां MP जाते हैं उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? आप खुदा राम, मैं आपके जरिए कश्मीर के आवाम से कह रहा हूं, ये अब हमारे टेस्ट ऑफ, ये अब हमारा इम्तिहान नहीं रहा। जब भी इलेक्शन होगा आगे, ये मुजफ्फर शाह साहब का इलेक्शन नहीं है, ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये तारेगामी साहब का इलेक्शन नहीं है, ये वकार भट्टी जैसे लोगों का इलेक्शन नहीं है। हमने पुलिस की मार भी सही, हमने ह्यूमिलेशन भी सही, दर्जनों केसेस भी हमारे खिलाफ है, हमारा मंशूर भी आपके सामने, और खुदा से मैं मुझे मेरी एक ही एक वो मेरे दिल को दिलासा है कि मैं BJP के सामने नहीं झुका, चाहे अल्लाह ने मेरे को किसी भी इम्तिहान किसी भी मरहले से, और अकेले हमने इस मुसीबतों को सहा है 2019 के बाद, न हम NC के सामने झुके, न कांग्रेस के सामने झुके, न BJP के सामने झुके। जो लोग कश्मीरियों का सुकून और अमन और इनकी इज्जत पे जख्म पहुंचाना चाहते हैं, उनके सामने हम कभी नहीं। शिवन अशाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिवन अशाई साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा सा प्यार, महबूबा मुफ्ती के लिए थोड़ा सा गुस्सा, JKLF को अकाउंटेबिलिटी का निशाना बनाया और बहुत सारी बातें इस प्रोग्राम में कही। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत इनके दिल में है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए। अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर की एक और सियासी शख्सियत को आपसे रूबरू कराने की। बहुत बहुत शुक्रिया।